तो आज वीडियोज का टॉपिक है हाउ टू चेंज वॉइस इन फ्री फायर लाइक रेस्टर। फ्री फायर में जो है रेस्टर के जैसा आवाज कैसे चेंज करे तो और जानते हैं। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। तो भाई लोग सभी लोगों का स्वागत है आज का एक नए वीडियोस के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग फ्री फायर में जो है रेस्टर के जैसा आवाज़ यहाँ पे किस तरीके से चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जब आप लोग फ्री फायर गेम को खेलते हो तो आप जो यहाँ पे टीममेट से माइक खोल कर बात करते हो तो आपका जो यहाँ पे साउंड है वो टीममेट के पास जो है एक यहाँ पे बदला सा जाए लाइक रेस्टर के जैसा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रेस्टर का यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग देखा होगा तो वहाँ पे जो उसका आवाज़ रहता है, जो उसका भाई टीममेट के पास उसका भाई आवाज़ जाता है या फिर हम लोगों के पास भाई यहाँ पे जो आवाज़ आता है वो आवाज़ जो है काफ़ी बदला सा रहता है। एक यहाँ पे बच्चे की तरह आप लोग कह सकते हो कि उसका आवाज़ यहाँ पे रहता है। तो आप लोग यहाँ पे किस तरीके से जो है फ्री फायर गेम के अंदर जो है अपना भाई आवाज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अपने टीममेट के पास जो है किस तरीके से अपना साउंड जो है भाई यहाँ पे भाई एक बदला सा भाई आप लोग कह सकते हो कि यार पहुँचा सकते हो, तो इसके बारे में आप लोगों को सारा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई लोग जो भी वीडियोज़ को लाइक नहीं किए वीडियो जरूर से लाइक कर देना और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि फ्री फायर जुड़ी इसी तरीके की वीडियोज आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले थे कि किस तरीके से जो है अपना फ्री फायर गेम के अंदर यहाँ पे आवाज़ चेंज कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे मेरा शुरू का जो वीडियोज का आपने क्लिप देखा वहाँ पे जो मेरा आवाज़ था एक यहाँ पे बच्चे की तरह था, आई मीन एक बार चेंज आवाज़ था। तो आप लोग यहाँ पे किस तरीके से चेंज कर सकते हो इसके बारे में आप लोगों को सारा डिटेल्स में बताने वाला हूँ एंड बहुत ही आसान तरीका है जिसके द्वारा आप भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है आपने शायद से काफ़ी सारे वीडियोज यहाँ पे यूट्यूब पे देख चुके होंगे जहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि आप जो है यहाँ पे एक डीओ रिकॉर्डर ऐप को डाउनलोड करो एंड उसके सेटिंग के अंदर जाओ एंड वहाँ पे आप लोगों को एक वॉइस चेंजर्स का सेटिंग होगा जहाँ पे आप लोग भाई जाकर वहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन वो जो वहाँ पे तरीका है वो 101% गलत है क्योंकि जो है वहाँ पे जो आप लोगों का आवाज़ चेंज होता है वो स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर चेंज होता है क्योंकि जो है डीओ रिकॉर्डर एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो वहाँ पे आप लोगों को जो स्क्रीन रिकॉर्डर का जो है आवाज़ चेंज कर दिखाया जाता है, ना कि फ्री फायर गेम के अंदर जाकर जो है आपका यहाँ पे टीममेट से बात कर दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे रियल भाई तरीका क्या है इसके बारे में आप लोग यहाँ पे जान लो। तो देखिए यहाँ पे रियल तरीका एक ही यहाँ पे रियल तरीका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर जाए वहाँ पे आप लोगों को कुछ भी एप्लीकेशन नहीं मिलने वाला है, ना ही आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे ऐप मिलेगा, मतलब कि कुछ भी इसका भाई तरीका नहीं है। अदर जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके द्वारा आप लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पे चेंज होगा कैसे इसके बारे में अब जो है यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पे रेडमी का फ़ोन है या फिर जो है पोको का फ़ोन है तो आपके यहाँ पे एक जो कॉर्नर में आप लोगों को एक नेविगेशन बटन दिखेगा। जैसे आप लोग नेविगेशन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो यहाँ पे माइक वाला सेटिंग है अगर आपके इस फोन में यहाँ पे माइक वाला सेटिंग है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आप लोग इस माइक वाले सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इतने सारे यहाँ पे सेटिंग्स चल रहेंगे जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पे वॉइस है, बच्चे की तरह आवाज़ है एंड यहाँ पे देख लो 6-7 यहाँ पे वॉइस है जिसके द्वारा आप जो है यहाँ पे आवाज़ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो है मैंने अभी जो है मैंने आप लोगों को बताया जो पोको एंड रेडमी का फोन में ये भाई अभी सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे सारे रेडमी एंड पोको के डिवाइस में ये यहाँ पे सिस्टम अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों के पास यहाँ पे महंगा फोन है उन सारे फ़ोन के अंदर जो है ये यहाँ पे माइक वाला सेटिंग दिया गया है कि आप लोग जो है यहाँ पे आवाज़ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास यहाँ पे भाई ये सारा सेटिंग यहाँ पे नहीं है माइक वाला वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए जिन लोगों के पास यहाँ पे रेडमी या फिर पोको के अंदर जो है भाई फ़ोन के अंदर जो ये सारा सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक ही तरीका है कि जब यहाँ पे फ़ोन को आप लोग अपडेट करते हो तो अपडेट करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोग फिर से भाई नेविगेशन बटन को ऑन करो और फिर से यहाँ पे चेक करो कि वो जो है यहाँ पे सेटिंग आया है या फिर नहीं आया है। तो बस यहाँ पे उस वो जो आपका यहाँ पे सेटिंग आएगा वो आपके फ़ोन को अपडेट करने के बाद ही आएगा। तो अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे अपडेट भाई आ चुका है तो आप लोग यहाँ पे अपडेट करते रहना और यहाँ पे चेक करते रहना कि मेरा जो है हुआ है या फिर नहीं आया है या फिर नहीं आया है। एंड यहाँ पे जो है जिन लोगों के पास अदर्स फ़ोन है लाइक वीवो ओप्पो एंड रियलमी वाला यहाँ पे फ़ोन है तो लोग यहाँ पे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो देखिए उनका भी सेम टू सेम यही फंडा है कि आप लोग जाइए यहाँ पे नेविगेशन बटन के अंदर और वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर लेना कि मेरा जो है ये वाला भाई माइक वाला सेटिंग अवेलेबल है कि नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि जो है अभी तक जो है प्ले स्टोर के अंदर जो है ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं आया है जिसके द्वारा आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो आई मीन यहाँ पे फ्यूचर्स में आ सकता है प्ले स्टोर के अंदर एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके द्वारा जो है आप अपना आवाज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे
भाई एप्लीकेशन आता है, तो मैं शायद से आप लोगों को वीडियो यहाँ पे भाई बनाकर दे दूंगा कि भाई एप्लीकेशन आ गया है, आप जो है किसी भी डिवाइस में भाई ये एप्लीकेशन यूज कर जो है आप अपना यहाँ पे आवाज़ चेंज कर सकते हो। तो भाई यही थी इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। सब तक के लिए टाटा, बाय बाय।